हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ दिस, दीज, दैट, दोज के बारे में कि इनका यूज हम कैसे और किस सेंस के लिए करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन सभी का यूज गलत सेंस के लिए और गलत तरीके से करते हैं। देखिए, अगर आप नहीं जानते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है, किस सेंस के लिए किया जाता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन सभी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि हम दिस, दीज, दोज और दैट का यूज किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें दिस के बारे में तो दिस का यूज किया जाता है यह के सेंस के लिए, और दीज का यूज किया जाता है ये सब के सेंस के लिए, और दैट का यूज वह के लिए, दोज का यूज वे सब के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे हमने बात किया कि किन किस वर्ड का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है। अब चलिए हम एक एक वर्ड को अच्छे से देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें दिस के बारे में तो दिस का यूज यह के लिए किया जाता है, लेकिन कब? जब वस्तु नज़दीक हो और एक हो, तो वहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप टेबल के किनारे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, और आपके टेबल पर एक किताब रखी हुई है और वो किताब आपके नज़दीक है और एक है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यह किताब है। तो देखिए, दिस का यूज कब किया जाएगा? जब वस्तु एक हो और क्या हो? नज़दीक हो, यानी सिंगुलर हो और नज़दीक हो, तो वहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, जैसे अगर आपको यह कहना हो यह एक किताब है, यह एक किताब है, ठीक है, तो देखिए किताब एक है और नज़दीक है, किताब एक है और नज़दीक है, तो इसके वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज किया? यह का। तो यह के लिए दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीज की। देखिए, दीज का यूज हम ये सब के सेंस के लिए करते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब वस्तु एक से अधिक हो, जब वस्तु क्या हो? एक से अधिक हो और वो नज़दीक हो, तो वहाँ पे हम दीज का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं टेबल के किनारे, और आपके टेबल पर चार पांच पेन रखा हुआ है, कलम रखा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? ये सभी कलम हैं या ये सब कलम हैं। देखिए, अब क्या है, कलम एक से ज़्यादा है और वो नज़दीक है, तो जब भी कोई वस्तु एक से ज़्यादा होगा और वो नज़दीक होगा तो वहाँ पे हम दीज का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहा कि ये सब कलम हैं, ये सब कलम हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? दीज आर पेंस, दीज आर पेंस, ये सब क्या है? ये सब कलम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दैट के बारे में। देखिए, दैट का यूज हम वह के लिए करते हैं, वह के सेंस के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है, लेकिन कब? चलिए उसको जान लेते हैं। देखिए, इसका यूज तब किया जाएगा जब वस्तु एक हो और वो दूर हो। जब वस्तु क्या हो? एक हो और वह दूर हो, तो हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप बाइक लेके आप स्कूल पे गए, स्कूल पर पहुंचने के बाद आपने बाइक को पार्क कर दिया और आप स्कूल में चले गए। आपका कोई दोस्त आता है और आपसे बाइक की चाबी मांगता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे बाइक की चाबी दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है। वो आपकी बाइक नहीं पहचानता है, तो आप क्या करते हैं? उसके हाथ में बाइक की चाबी देते हैं और वहीं स्कूल से पार्क की तरफ इशारा करके बताते हैं कि वह मेरी क्या है? बाइक है, वह मेरी बाइक है। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, बाइक क्या है? बाइक दूर है और बाइक एक है, तो जब भी एक वस्तु
जब भी वस्तु क्या होगा, एक होगा और वो दूर होगा, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वह का यूज़ करेंगे। जैसे अभी आपने कहा वह मेरी बाइक है, वह मेरी बाइक है, तो आपने क्या कहा, दैट इज़ माई बाइक। ठीक है, दैट इज़ माई बाइक, वह मेरी बाइक है। अब दोस्त को हम समझते हैं। देखिए दोस्त का यूज आप कैसे करते हैं, अभी आपने दिस का यूज देखा कि दिस का यूज हम कैसे करते हैं। दिस का यूज तब किया जाता है जब वस्तु एक से ज़्यादा हो और पास हो, तो हम दिस का यूज करते हैं। और दोस का यूज कैसे किया जाता है, दोस का यूज जब वस्तु एक से अधिक हो और वस्तु नज़दीक के बजाय दूर हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, दोस का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपका किताब, 3-4 किताब है आपका, कहीं दूर टेबल पे पड़ा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, किसी से भी आप कहते हैं कि वो सब मेरा किताब है, वो सब क्या है, वो सब मेरा किताब है। ठीक है, तो जब भी वस्तु एक से ज़्यादा होगा और दूर होगा, तो वहाँ पे हम दोस्त का यूज करेंगे। जैसे वे सब मेरी किताब है, तो आपने क्या कहा, दोज आर माई बुक। तो इस तरह से आप इन सब का यूज, यानी दिस, दीज, दैट, दोज का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, इस तरह के सेंस के लिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन सब में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया। फिर आने वाले वीडियो लेक्चर में इस तरह के बहुत से सारे ऐसे डाउट हैं आपके मन में जो आपको नहीं पता है, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊँगा इंग्लिश के, कि क्या डिफरेंस है किस वर्ड में। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।